हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज शुरुआत करेंगे ब्लॉग की अपने न्यू हाउस से। तो चलो, पहले मैं आज आपको अपने न्यू हाउस की विजिट करा। ये है एंट्रेंस गेट और यहीं पे आपको मिल जाता है एक बेड जो गेस्ट वगैरह के लिए बनाया है। और यहाँ पर है दो बॉर्डरूम। मैं तुमको बॉर्डरूम आप लोगों को खोल के दिखाता हूँ। छोटे हैं पर ठीक है, इसमें कपड़े रखे हुए, किताबें। तो ये दो बॉर्डरूम है, इसमें भी देखता हूँ क्या रखा है। इसमें बैग रखा है, ठीक है, नीचे जूते रखे हुए हैं। तो ये दो बॉर्डरूम है और यहाँ से चलेंगे आप सीधे तो ये हमारा आंगन है और यहीं पे आपको मिल जाता है एक सुंदर सा किचन। तो किचन की लाइट जलाते हैं इधर से। ये है हमारा किचन, ठीक है। तो ये है यहाँ पर सिंक, तो यहाँ पे हम बर्तन धुलते हैं और बर्तन के लिए हमने नई क्रिएटिविटी लगा रखी है। ये देख सकते हो, ये किचन है, दो गैस हैं, एक छोटा एक बड़ा, जल्दी काम हो जाता है। यहाँ से बाहर का नज़ारा देख सकते हो और इसको खोल भी सकते हो। खोलते कैसे हैं मेरे को नहीं पता, इसको खुल जाता है यार ऐसे। ये तो वो खड़ी है अपनी वहाँ पर, धन हो। और एकदम अल्टीमेट बहुत खूबसूरत नज़ारा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है अंदर, आप सुन भी सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, मैं अभी आपको बाहर से भी दिखाऊंगा। तो चलो यहाँ से इसको बंद करते हैं, नहीं तो कबूतर अंदर आ जाएंगे, तो बीट वगैरह कर देते हैं। तो यहाँ से निकलने के बाद चलते हैं रूम में। तो रूम में चलेंगे, ये है हमारा एक रूम, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से बना रखा है। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा मंदिर और ये हमारा बाउंड्री है, इधर बाहर से देख सकते हैं। इधर कपड़े सूख रहे हैं, हमारी वाइफ खड़ी हुई है, उधर पंखा चल रहा है। अब यहाँ से निकलते हैं दूसरे रूम में। ये हमारा फ्रिज है और ये पानी बाहर से आता है। इसकी कैन जो है हमें 25 रुपये पर कैन पड़ती है, क्योंकि यहाँ का पानी उतना पीने लायक नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं है। और एक इधर ऐसे बैठने के लिए चेयर डाल रखी है। और ये है दूसरा रूम, लेकिन अंधेरा है, जलाते हैं इसमें लाइट। तो ये है हमारा दूसरा रूम, ये दो बॉर्डरूम अंदर भी हैं और ये इधर एक इधर बेड लगा हुआ है, दो चेयर पड़ी हुई हैं, सामने मिरर भी लगा हुआ है। और यहाँ से भी आप हमारे बाहर को जा सकते हैं। तो गाइस, ये था मेरा छोटा सा घर का ब्लॉग। तो चलो अब चलते हैं मार्केट, कुछ खा के आते हैं, मौज करके आते हैं, घूम के आते हैं, थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करेंगे, आपको दिखाते हैं। तो अब खुलने वाली है, 1 2 2 में ही खुल गई। अपनी धन्नो खड़ी है वो सामने, अपनी धन्नो इतनी गंदी हो गई ना, इतनी मिट्टी लगी है, मिट्टी मिट्टी है पूरा। असल में क्या होता है, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना इधर, और सारा धूल इन पेड़ों पर इकट्ठा हो गया। जब बारिश होती है तो इन्हीं गाड़ियों के ऊपर गिर जाती है, सारी गाड़ियों की बैंड बजी हुई है। सारी घर है वो ए वाले फ्लोर पे है, इस वाले पे फोकस फोकस, इस वाले फ्लोर पे है ये वाला विंडो। और ये है हमारी बिल्डिंग, 9 फ्लोर है इसमें टोटल। मेरे को असल में रूम चाहिए था इस वाली बिल्डिंग में, ये बहुत ही खूबसूरत और अल्टीमेट बिल्डिंग है। ये पीछे वाली बिल्डिंग में लेने के लिए बहुत ही मोटा पैसा ख़त्म करना पड़ेगा, तब मिलेगा। अपना यही चाहिए है, ये भी बहुत महंगा है लेकिन अच्छा है, ठीक है, मस्त है, कोई बात नहीं, अपने लिए यही बहुत। भाई सरिया लेके आ रहे हैं, बहुत तकड़ी वाली सरिया ये, और कितनी लंबी वहाँ से। गाइस, हम आ चुके हैं ग्रैंड पैनिस मॉल में, बहुत ही खूबसूरत बाजार हो है और पार्किंग भी है, लेकिन यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है। 2 व्हीलर के लिए 3 नंबर और 4 व्हीलर के लिए वाटरफॉल है, यहाँ पर लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। बहुत सिक्योरिटी चेक करवानी पड़ती है, ये सिक्योरिटी चेक लगी हुई है यहाँ पर, कुछ यूनिक है। अब ये क्या यूनिक है मेरे को भी नहीं पता है। यहाँ पर खूबसूरत बलाएँ बलाएँ हैं, ये देखो वो कोई आसमान में चढ़ के मज़े ले रहे हैं, वो देख रहे हो आप, रोपिंग हो रही है। आई डोंट नो, म्यूजिक लवर तो नहीं हूँ लेकिन बहुत खूबसूरत अल्टीमेट, क्या बात है। हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है।
बेनिस मॉल की सीढ़ियाँ हैं ये, ताजमहल। यहाँ से आप फॉरेन कंट्री का भी मज़ा ले सकते हो, 300 रुपये 400 रुपये, और हो सकता है नैनीताल के भी मज़े ले सकते हो। नाव तो है नहीं एक भी, नैनी लेक तो नहीं है लेकिन वैसी झील बना रखी है एक। ये है बच्चों की ट्रेन, मैं आपको इससे रूबरू कराता हूँ। ये पीछे बैठे हैं। वाओ, हेलो हेलो, बच्चा बैठा हुआ था, बच्चा तो नाराज है, मैं आगे खड़ा रहूँगा, कट जाऊँगा, मर जाऊँगा ट्रेन के आगे। जा रही है, वाओ जा रही है भाई ट्रेन। हेलो, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए देख रहे। मैंने उससे भी, भैया इनकी भी बच गई, मैंने उससे भी हेलो कहा था, बोला ही नहीं। बर्गर से थोड़ा दिखाना है, यहाँ पे बर्गर किंग है, वहाँ पर प्यूमा का है, बाटा का है, लिवीज का है, बहुत सारे शोरूम स्टोर हैं। और हमारे पास इधर H&M का शोरूम है, ये H&M का शोरूम है, भूमिया रेस्टोरेंट, ये भूमिया भाई का रेस्टोरेंट है। रोलिटी बहुत बढ़िया है यार। ये मॉल बड़ा तो बहुत है लेकिन इसका ब्लॉग आपको कि एक दिन में संभव हो जाए और बहुत ही चीज़ बारीकी से दिखा दी जाए तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुत बड़ा है और इसको पूरा एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 2 घंटे की वीडियो चाहिए, यानी कि 2-3 ब्लॉग चाहिए ही चाहिए। आ गए हैं थर्ड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे जैसे ही आप एंट्री मारेंगे तो यहाँ पर लेडीज़ का कॉस्मेटिक सामान आपको मिलेगा, और थर्ड फ्लोर पे ही भीड़ सबसे ज़्यादा। टाइम पे भी आप देख लो, काफ़ी लोग घूमने आ रहे हैं और बहुत भीड़ है, बहुत रस है, पूरा रस ही रस। ये बिग बाज़ार थर्ड फ्लोर पे, इसमें भी सबसे ज़्यादा रस इसी बाज़ार। और थर्ड फ्लोर से अपना ग्रैंड वेनिस मॉल जो है इस टाइप से दिखता है। खूबसूरती की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत है, इसको जितना भी देखो उतना कम है और जितना एक्सप्लोर करो उतना कम है ना। बैक साइड में पूरा खाली है, आधा ही भरा हुआ है, बाकी पूरा ये ग्रोसरी का सामान है। ये मेरे पीछे वाइफ है, ये ग्रोसरी का सामान, किचन का सामान देख रही है, इनको ये सामान बहुत पसंद है। और आज मेरा पैसा ना बहुत ख़त्म हो गया, आप ये देख रहे हो पूरा ग्रोसरी का सामान, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये शॉप। और ये चार्मिंग बेल, वहाँ से रोपिंग होती है और वहाँ एंड तक जाती है उधर। और ये है फिफ्थ फ्लोर से ग्रैंड वेनिस मॉल कुछ इस कदर दिखता है यहाँ से। अभी हम जा रहे हैं, लास्ट फ्लोर है ना ये? नहीं, ये इसके ऊपर एक और फ्लोर है। अच्छा, मतलब ये है 6th फ्लोर और इसके ऊपर एक फ्लोर और है, पीने का इसी फ्लोर पे है सारा। बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट है, ये चारों तरफ रेस्टोरेंट ही है, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, इनको एक्सप्लोर करना बहुत ही मुश्किल है। तो मैंने ऑल ओवर आपको ऐसे ही दिखा दिए, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं ऐसे। यहाँ पे ये बर्गर किंग भी है, साइड आप बाउंड्री देख रहे हैं ना, ये बहुत ही ऊंची बाउंड्री है और यहाँ से नीचे का ग्रैंड वेनिस मॉल ऐसे दिखता है, लेकिन इधर का एरिया ना बंद ही रहता वाले के, हालांकि एक भीड़ रहती है, बहुत सारी शॉप्स हैं लेकिन पिज़्ज़ा वाले केवल डोमिनोज वाले के यहाँ ही भीड़ है। इधर ले जाओ, स्पेशल है ऐसा, खाली खाली का चूतियापा हमारा हो रहा है। और स्लाइस के 20 रुपये साले अलग से लेने वाला था ना, उसमें टमाटर भी नहीं डाले थे, और एक मीडियम साइज़ प्याज के भी स्लाइस होते हैं ना, उसमें से 2-3 वो निकाल निकाल के डाले। भाई साहब 190 रुपये में 2 बर्गर बहुत महंगे पड़ गए। अगर दिन में तारे देखने हो, पकलाना हो, तो ये गेम खेल लो, दिन में घोड़ा चल रहा है, देख रहे हो। ये बच्चों के गेम है, एक्सीडेंट, ये हाँ, वाह वाह वाह, क्या मजे झूला। इधर पूरा बच्चों का ही आइटम है। एक और चीज़ देख लो इधर, इलेक्ट्रिक कार है, बहुत सारे गेमिंग,
रखे हुए हैं। लाइफ के मजे लेने हो तो क्या बात है, यल गेम। फील्ड में क्रिकेट खेलने ना पहुंच पाए तो बेनिस मॉल आ जाए, यहाँ पर आपका साथी बेनिस मॉल, इलेक्ट्रिक चीज़ें, बॉल वहाँ से आएगी। अरे भाई मार, कितने प्यार से गेम खेल रही है ये, और पिन शूटिंग टाइम। नहीं लगा, कितना खूबसूरत है ये। हम आ गए हैं बिग बाज़ार में और इधर थोड़ा शांति भी है और काफ़ी भीड़ है। ये की पसंद आई है, मैं इसको पिकअप कर रहा हूँ। कि सुपर मॉडल का भाई योगेंद्र, हमारा आधा शरीर इधर रख लगा दिया है, टुकड़े कर दिए। अच्छे अपने बच्चे नहीं है, क्या देख रहे हो, टैडी ही टैडी। बहुत ही प्यारे प्यारे डस्टबिन है गाइस, सामान तो बहुत है, देख के कंफ्यूजन हो रहा है क्या लें क्या ना लें, लेकिन कॉस्टली भी बहुत है, लेने का मन नहीं कर रहा है। तो घंटे का प्राइस देख रहे हो 45 रुपये, और जबकि हमारे गांव में ये 10 रुपये में 3 मिल जाते हैं भाई साहब, और इससे अच्छी क्वालिटी के और ज़बरदस्त। देख रहे हो 34 रुपये हमारे यहाँ 10-10 रुपये किलो मिलती है, और एकदम फ्रेश खेत की निकली हुई मॉर्निंग मॉर्निंग। आप अंग्रेजी में एक कर्ली फ्लावर बोलते हो ना, इसे हम फूल गोभी बोलते हैं। ये हमारे यहाँ 2-3 रुपये, 5 रुपये किलो मिल जाती है। पत्ता गोभी भी सेम रेट में, यानी कि बैगन बोलते हो, ये 54 रुपये किलो है, ये 10-10, 15-15 रुपये किलो मिल जाता है हमें। इतनी महंगी सब्जी सोच भी नहीं सकते। और ये कद्दू, कद्दू तो हमारे यहाँ 2 रुपये में चल रहा है, 2 रुपये में, और यहाँ पर बाप रे 50 हो गया, सारा सामान हो गया, बिल भी हो गया। हेलमेट भी इसी में रख दो। हम लोग खाएंगे गोलगप्पे और टिक्की। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 10:30, और हम लोग फाइनली शॉपिंग करके पहुंच गए हैं, अपनी शॉपिंग हो गई है, फटाफट सारा सामान रखते हैं, कपड़े उतारते हैं, और तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत।